तो दोस्तों 10-15 मिनट की बढ़िया मेहनत के बाद ये झाड़ू हो गया हमारा तैयार। देख सकते हैं आप, जवार का झाड़ू। अब मैं थोड़ी इसकी लेता हूँ टेस्टिंग की, इसे झाड़ने में कैसा हो रहा है। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 28 अगस्त 2022 और दिन की शुरुआत तो कब का हो चुकी है, लेकिन ब्लॉग थोड़ा देरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल शाम के बज गए हैं 4:30 और समय हो गया है जो हमारी गाय बच्चियाँ हैं उनको बाहर बांधने का। उसके बाद मुझे एक झाड़ू बनाना है, मैं बताऊँगा आपको कैसे झाड़ू वाड़ू बनता है। फिलहाल धुआं लगाता हूँ और गाय बच्चियाँ जो हैं उनको बाहर बांध लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो नीचे वाली गांठ होती है ये बहुत टाइट बांधनी होती है। देख रही हूँ आप, एक शेप बन गया है, एक आकार जैसा बन गया है। इसे इसीलिए भिगा के रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो बड़ा ये टाइट होता है, मतलब टाइट इन द सेंस कि बहुत चमड़े जैसा होता है, चमड़े जैसा। तो अब मैं इसको ऊपर ऊपर बांधता जाऊँगा, मतलब इसे बुनता जाऊँगा और यहाँ पर बांध दूँगा। यहाँ पर इसे मैं टाइट फिर ऐसे जैसे नीचे बांधा है, यहाँ पर भी इसे ऐसे बांध दूंगा और फिर बढ़िया सा ये झाड़ू बन जाएगा। बस तो दोस्तों देख रहे हो आप, मैं नीचे से ऊपर तक बुन कर ले आया हूँ। अब जैसी गांठ यहाँ पर है वैसी एक यहाँ पर भी बांध दूंगा, यहाँ पर भी एक ऐसी गांठ बना दूंगा टाइट एकदम। पानी चू रहा है इसमें से क्योंकि भिगाया था ये, और मैं भी थोड़ा भीग गया हूँ, ये पानी बहुत चू रहा है। तो फिर ये हो जाएगा एक बढ़िया झाड़ू। तो बांध देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा एक और डोरी बांधनी पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों 10-15 मिनट की बढ़िया मेहनत के बाद ये झाड़ू हो गया हमारा तैयार। देख सकते हैं आप, जवार का झाड़ू। अब मैं थोड़ी इसकी लेता हूँ टेस्टिंग की, इसे झाड़ने में कैसा हो रहा है, कूड़ा वूड़ा निकल रहा है कि नहीं। तो यार जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया से ये झाड़ू काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो काम है वो हुआ सक्सेस। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी बज गए हैं 5:30 और मैं नीचे रोड में जा रहा हूँ क्योंकि कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो बहन ने भी किया, मैंने भी किया, तो दो पार्सल आए हैं, तो उन दोनों को ले आता हूँ। फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर खेत कैसे हो रहे हैं और धानों की क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं अब धानों में बालियाँ आ गई हैं, लेकिन अभी हरी ही हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा इनको पकने में, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी। दिन में तो गर्मी हो रही थी। धान के बड़े बड़े खेत हैं सीढ़ीदार। दोस्तों ये वो ज्वार है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले झाड़ू बनाया था, आपको दिखाया था। अभी खेतों में हो रही है, पकने वाली है। इसका दाना हम गाय बच्चियों को पीस कर खिलाते हैं पशु आहार के रूप में, और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, दिखाता हूँ आपको थोड़ा नज़दीक जाकर, ये वाला, इस हिस्से का हम झाड़ू बना लेते हैं, इतने हिस्से का। तो अभी बज गए हैं 6:00 और मैं रोड में पहुंच गया हूं। अभी बहुत दिनों बाद आ रहा हूं रोड की तरफ, तो घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। शाम का समय है और मौसम भी बहुत मज़ेदार हो रहा है, मतलब एक नंबर। कुछ अंकल लोग आगे से इवनिंग वॉक कर रहे हैं, उनको भी दिखा देता हूँ आपको, बुढ़ापे के मज़े ले रहे हैं आराम से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। तो उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जैसे भी लग रहे हों कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें राजनेगी ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।